हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ठो कूलिंग टावर का रेंज डिक्रीज होने का डिफरेंट कारण क्या क्या है। तो आज का जो विषय है वो है कूलिंग टावर का रेंज डिक्रीज होने का कारण क्या है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं एक ठो कूलिंग टावर का प्रॉब्लम। एक ठो कूलिंग टावर है जिसका डिजाइन रेंज है 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी जो होता है रेंज, अभी जो रेंज है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कारण क्या है कम होने का, तो इसका बारे में हम लोग जानेंगे। डिजाइन रेंज एक तो कूलिंग टावर का 10 है, लेकिन अभी जो एक्चुअल जो हो रहा है, लेकिन जो अभी जो मिल रहा है वो 4 डिग्री सेल्सियस है, इसका कारण क्या है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं रेंज का रिलेशन हीट लोड और कूलिंग टावर का फ्लो के साथ। हीट लोड एक तो कूलिंग टावर का हीट लोड और रेंज और कूलिंग वाटर का फ्लो का अंदर में रिलेशन, रेंज इज इक्वल टू हीट लोड डिवाइडेड बाय कूलिंग वाटर फ्लो, यानी कि रेंज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कूलिंग वाटर फ्लो और रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट लोड। तो नंबर वन में देखेंगे कि कूलिंग टावर का रेंज कम होने का कारण एक्सेस कूलिंग वाटर फ्लो हो सकता है, क्योंकि रेंज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कूलिंग वाटर फ्लो। यदि एक ठो कूलिंग टावर में कूलिंग वाटर फ्लो एक्सेस अमाउंट में फ्लो होगा तो उसका रेंज क्या होगा, घटेगा। तो ए नंबर वन में ए एक ठो कारण हो सकता है। नंबर टू में कूलिंग टावर में हीट लोड कम हो सकता है। वो जो कूलिंग टावर है उसमें हीट लोड जितना अमाउंट का होना चाहिए उससे कम हो रहा होगा, इसीलिए उसका जो रेंज है वो कम हो गया होगा, क्योंकि रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट लोड। यदि एक तो कूलिंग टावर का हीट लोड घटेगा तो उसका रेंज भी घटेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि हीट लोड बढ़ेगा तो कूलिंग टावर का रेंज जो है वो बढ़ेगा। नंबर थ्री का कारण हो सकता है जो सीटी फैन का फैन, यानी कि एक तो सीटी फैन में मान लीजिए 10 तो फैन है, यदि उसमें 5 तो फैन बंद है उसके कारण भी हो सकता है, क्योंकि जो एनर्जी बैलेंस हमको पता है कि हीट रिजेक्टेड बाय कूलिंग वाटर इज इक्वल टू हीट पिकअप बाय एयर फ्लो। यदि एयर फ्लो घटेगा, यानी कि आप फैन को बंद कर लिए, तो जितना अमाउंट का एयर जाना चाहिए कूल करने के लिए उससे कम हो जाएगा, तो उतना अमाउंट का हीट क्या होगा, कूलिंग वाटर में रह जाएगा, जिसके वजह से जो रेंज है वो घटेगा। रेंज कम होने का कारण हो सकता है पोर अप्रोच। एक तो कूलिंग टावर का पोर अप्रोच होने के वजह से, पोर अप्रोच कब होता है,
जब हाई ह्यूमिड कंडीशन होता है, यानी कि जब वातावरण हाईली ह्यूमिडिटी रहता है उस समय अप्रोच जो है कूलिंग टावर का वो कम रहता है, ह्यूमिडिटी हाई ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर में हाई ह्यूमिडिटी होने के कारण आपका जो अप्रोच है वो पोर रहता है, और कूलिंग टावर में जो हीट रिजेक्शन करने का रेट रहता है वो भी कम हो जाता है हाई ह्यूमिडिटी के कारण। तो उसके वजह से रेंज कूलिंग टावर का कम होने का चांसेस जो है बढ़ जाता है। नंबर फाइव में नोजल चोक्ड, यदि कूलिंग टावर का नोजल चोकेज हो जाएगा तो उसके वजह से जो वाटर स्प्रिंकल हो रहा है फिल का ऊपर वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो एयर और वाटर का जो कंटैक्ट सरफेस है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से हीट प्रॉपरली रिजेक्ट नहीं हो पाएगा एयर में एक ठो कूलिंग टावर में। तो उसके कारण भी आपका रेंज जो है वो कम होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इस सारे जो केसेस मैंने आपको बताया ये एक ठो कूलिंग टावर का रेंज कम होने का कारण हो सकता है। इस कारण को कंसिडर करके आप आपका कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन मिला होगा। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए तो रहता हूँ दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।